हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा टैंक। मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक ऑइंटमेंट के बारे में जो हर घर में, हर कार में, बाइक या बस में होना चाहिए। ऑइंटमेंट का नाम है सिप्लाडिन ऑइंटमेंट। सिप्लाडिन एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है। इसको माइनर कट्स में, वुंड्स में या आफ्टर सर्जरी इसे दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं सिप्लाडिन क्रीम से रिलेटेड सारी बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस ऑइंटमेंट के क्या बेनिफिट्स है, इसकी डोसेस क्या है, इसकी प्राइस कितनी है, कौन सी कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है, किन लोगों को इस ऑइंटमेंट को नहीं लगाना चाहिए और इस ऑइंटमेंट के क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, यही सब बातें आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए तो वीडियो को शुरू करता हूँ एक छोटा इंट्रो के बाद। दोस्तों, सिप्लाडिन ऑइंटमेंट सिप्ला लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। इसके छोटे बड़े ट्यूब्स मार्केट में अवेलेबल होता है। सिप्लाडिन ऑइंटमेंट 10 ग्राम, 20 ग्राम, 125 ग्राम क्वांटिटीज में मार्केट में अवेलेबल होता है। मेरे हाथ में जो आप ट्यूब देख रहे हो, ये ट्यूब 20 ग्राम की है जो आपको अराउंड 53 रुपीज में किसी भी केमिस्ट शॉप में आसानी से मिल जाएंगे। इस ऑइंटमेंट की अगर कॉन्टेंट्स की बात करें तो इसमें रहता है पोविडोनाइडिन 5% वेट बाई वेट, मगर इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है आयोडीन जो रहता है 0.5% वेट बाई वेट। दोस्तों, आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है और आयोडीन एज ए डिसइंफेक्टेंट भी काम करते हैं। सिप्लाडिन ऑइंटमेंट बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस, इन सभी के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है। दोस्तों, आयोडीन क्या करता है, आयोडीन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ इन सभी के अंदर घुस जाते हैं और इनकी फैटी एसिड, न्यूट्रिक एसिड और प्रोटीन को ऑक्सीडाइज कर देता है और जिसकी वजह से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। बाकी पोविडन की काम है आयोडीन को बाइंड करके रखना। पोविडन आयोडीन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इन सभी बैक्टीरिया की ग्रोथ को बंद कर देती है और जिसकी वजह से इन्फेक्शंस नहीं फैलते हैं। दोस्तों, सिप्लाडिन ऑइंटमेंट के साथ सिप्लाडिन पाउडर और सिप्लाडिन सोल्यूशन भी मार्केट में अवेलेबल है। ये तीनों एज एंटीसेप्टिक काम करते हैं। इन तीनों के एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होता है जो काट्स या वुंड्स होने पर लगाने को दिया जाता है। सिप्लाडिन ऑइंटमेंट को माइनर काट होने पर लगाने को दिया जाता है या मेजर काट में भी इसे लगाने को दिया जाता है ताकि काट होने वाला एरिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। साइकिलिंग, ड्राइविंग या चलने के दौरान गिर के चोट लगने पर भी इसे लगाने को दिया जाता है। एक्सीडेंट होने पर चोट लगने वाला एरिया में भी इसे लगाने को दिया जाता है ताकि चोट लगने वाला एरिया में कोई इन्फेक्शन ना हो। बॉइल या वुंड में भी इसे लगाने को दिया जाता है। सर्जरी के बाद सर्जरी वाला एरिया में भी इस ऑइंटमेंट को लगाने को दिया जाता है ताकि सर्जरी वाला एरिया में कोई इन्फेक्शन ना हो और घाव जल्द से जल्द सूख जाए। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैं सिप्लाडिन सॉल्यूशन के बारे में बोला था। सिप्लाडिन सॉल्यूशन को बेसिकली ड्रेसिंग के दौरान यूज किया जाता है। जब चोट गहरा होता है और घाव में से खून ज्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं और मांस बाहर आ जाता है तब उसे साफ करने के लिए सिप्लाडिन सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। सर्जरी वाला एरिया को साफ करने के लिए डॉक्टर इसे यूज करते हैं ताकि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद सर्जरी करने वाला एरिया में कोई इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। ऐसा करने से मैं जितना भी वीडियो अपलोड करते जाऊंगा आपको उन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे और आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों, मेडिसिंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना अच्छी बात है। आपको मेडिसिंस के थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये कभी ना कभी आपके काम जरूर आएंगे। चलिए फिर से टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, सिप्लाडिन ऑइंटमेंट को आप सुबह शाम दोनों टाइम लगा सकते हो। अगर बात करें सॉल्यूशन की तो सिप्लाडिन सॉल्यूशन को दिन में एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है ड्रेसिंग के दौरान। चलिए अब बात करते हैं इस ऑइंटमेंट की प्रिकॉशंस के बारे में। वैसे तो ये ऑइंटमेंट काफी सेफ होता है मगर कुछ बातों को ध्यान देना जरूरी होता है। सिप्लाडिन ऑइंटमेंट को कभी भी ओवरडोज में नहीं लेना चाहिए। यह एक एक्सटर्नल ऑइंटमेंट है, इसको कभी भी खाना नहीं है। इस ऑइंटमेंट को हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर किसी को सिप्लाडिन ऑइंटमेंट लगाने से एलर्जी होते है तो उसे भी इस ऑइंटमेंट को नहीं लगाना चाहिए। इस ऑइंटमेंट को लंबे दिन के लिए नहीं लगाना चाहिए, 7 से 10 दिन तक ही इसे यूज करना चाहिए। कुछ स्पेशल केस में इसकी ड्यूरेशन बढ़ भी सकते हैं। डॉक्टर आपको जितने दिन तक इस ऑइंटमेंट को लगाने को बोले उतने दिन तक ही इसे यूज करना चाहिए। थायराइड और किडनी के मरीज इस ऑइंटमेंट को लगाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले। डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इन पेशेंट्स को सिप्लाडिन ऑइंटमेंट्स को लेना चाहिए। सिप्लाडिन ऑइंटमेंट को लगाने से थोड़ी मात्रा में आयोडीन हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब होते हैं। स्पेशली जब घाव या काट ज्यादा गहरा होता है तब आयोडीन एब्जॉर्प्शन भी थोड़ी ज्यादा होती है। इस ऑइंटमेंट की अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर है। इसको ओवरडोज में लेने से किसी को जलन हो सकते हैं, किसी को हल्की हल्की खुजली या कभी कभार किसी को इरिटेशन भी हो सकती है। दोस्तों, कुल मिला के बात यह होता है कि सिप्लाडिन ऑइंटमेंट एक छोटा हाथी है जो काफी बेनिफिशियल और सेफ है और यह ऑइंटमेंट हर घर में होना चाहिए। हर कार या बाइक में इसे रखना जरूरी होता है।
ताकि किसी इमरजेंसी में आप इसे यूज कर पाए। सिप्लाटिन ऑइंटमेंट की यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको किसी दूसरी मेडिसिन की रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय।